साल 2020 आने में अब कुछ गिनती के दिन बाकी हैं। 2019 के साल में हमने काफ़ी खुशियों के पल जिए हैं, तो दूसरी ओर इसी साल ने हमें कई कभी ना भूलने वाले दर्द भी दिए हैं। साल 2019 में राजनीति की कुछ ऐसी हस्तियां हमारे बीच से चली गई जिनकी यादें इस देश के लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगी। तो चलिए किस्सा सुनाते हैं उन तमाम हस्तियों का। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, द रूरल प्रेस डॉट इन देख रहे हैं आप। गोवा के मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता मनोहर पर्रिकर का 17 मार्च 2019 को कैंसर के कारण निधन हो गया था। पर्रिकर गोवा के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार सन 2000 में मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन सन 2002 में उनकी सरकार गिर गई। 2002 में वह विधानसभा में चुनकर आए और 5 जून 2002 को वह फिर से गोवा के मुख्यमंत्री। 13 मार्च 2017 को उन्होंने चौथी बार गोवा की कमान संभाली। तब वह बीमार भी थे लेकिन राज्य में सरकार चला रहे थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार में रक्षा मंत्री का भी पद संभाला था। अब बात करते हैं संघर्षों से लगातार लड़ाई करके एक शीर्ष पर पहुंचने वाली शीला दीक्षित की। लगातार 1.5 दशक तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित का 20 जुलाई 2019 को निधन हो गया था। वह 81 वर्ष की थीं। उनका निधन हृदय में तकलीफ होने के कारण राजधानी के स्कॉट अस्पताल में हुआ था। शीला दीक्षित का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। वे 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के हाथों उनको पराजय का सामना करना पड़ा था। अब बात करते हैं वकील और भारत के वित्त मंत्री रह चुके अरुण जेटली की। अरुण जेटली पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता का निधन लंबी बीमारी के बाद 24 अगस्त 2019 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था। वे 66 वर्ष के थे। किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके अरुण जेटली को कैंसर भी हो गया था। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। लोकसभा चुनाव 2014 में अमृतसर संसदीय सीट से हारने के बाद जेटली स्वास्थ्य कारणों से 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बने थे। बात करते हैं सुषमा स्वराज की। पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता रह चुकी सुषमा स्वराज का निधन 6 अगस्त 2019 को हो गया था। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत से 3 घंटे पहले सुषमा ने ट्वीट किया था और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मैं जीवन में इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। सुषमा स्वराज भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक थी, जिनका भाषण सुन विपक्षी भी कायल हो जाते थे। इतना ही नहीं, वो मोदी सरकार में विदेश मंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला नेता भी थी। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफ़र इतना आसान भी नहीं था। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी साल 1952 में अम्बाला में हुआ था। उन्होंने अम्बाला की छावनी के एसएडी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की। भाषण और वाद विवाद में हमेशा आगे रही सुषमा ने कई प्रतियोगिताओं में भी अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त किया था। तो ये थी कहानी भारत के राजनीतिज्ञों की जो हमें छोड़कर वर्ष 2019 में जा चुके हैं। बहरहाल, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।